हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी स्मार्ट फॉर कॉम्पिटिशन्स। सो ये वीडियो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग बनाई है एंड वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द वीक्स ऑल इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टिल नवंबर। सो इट विल बी ऑलमोस्ट अबाउट 30 वीडियोज विच विल बी अपलोडेड, जिसके अंदर मैं हर एक वीक के वन लाइनर्स दूंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस टिप्स। प्लस आपको हर महीने, हर मंथली आपके मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस या क्वेश्चन आंसर वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। एंड इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ्स, प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम ऐप ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं उसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। एज पर द लेटेस्ट पैटर्न आई हैव गिवन ऑल द IBPS IBPS इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस। सो मैं ये वीडियो प्रोबेबली हिंदी में स्टार्ट करूंगा ताकि लार्जर ऑडियंस के लिए वो गुड रहे। एंड फॉर ऑल दोज हु नो ओनली इंग्लिश, प्लीज़ यू नो डाउनलोड दिस PDF एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर फ्री टू आस्क अस इन द बाय कमेंटिंग ऑन द दिस वीडियो ओनली। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो वीकली वन लाइनर अपडेट जैसे मैंने आपको बताया, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम द जुलाई फर्स्ट टिल 7th of July। ओके, फर्स्ट इज इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज विल मर्ज विद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, सो कौन सी कम्युनिटी है जो एक्सचेंज के साथ मिल रही है? दैट इज नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड इसके बारे में मैंने हर एक पॉइंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नोट भी बनाए हैं, ठीक है, कि वो ये है, इट विल मर्ज विद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज टू क्रिएट द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट कमोडिटीज एक्सचेंज। ऑलराइट, एंड अभी मैं आगे की नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर टू। सो द सेकेंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू RBI, द पेमेंट्स बैंक हैज कमेंस द ऑपरेशन एज अ पेमेंट्स बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 30th June, दैट इज फाइनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो आई विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द पॉइंट्स एंड विच एवर पॉइंट यू फील दैट यू आर अनकम्फर्टेबल विद, आप मेरे को कमेंट पे लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर स्टफ फ्रॉम मी, आई विल बी गिविंग दैट एज वेल। तो मैं हर एक वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस दूंगा, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द स्केलेटन ऑफ दिस PDF, एंड आपको मैं इम्पॉर्टेंट वो दूंगा न्यूज़ जो कि वर्ल्ड न्यूज़ है। ठीक है, दोनों एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेंगी मेन्स के, सो बेटर यू बी कंसंट्रेटेड ऑन इट। तो जितना भी टाइम हमारे पास कम है, कि ऑलमोस्ट आई थिंक 1 month रिमेनिंग है IBPS मेंस में, तो उसके लिए आपको रोज़ की रोज़ मैं ट्राई करूँगा कि दो दो वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके एंड यू कैन फोकस ऑन अदर पॉइंट्स एज वेल। तो मैंने और भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है IBPS के रिलेटेड ही, जो रीजनिंग और क्वांट की हैं, यू आर फ्री टू गो थ्रू इट। एंड मैं इंग्लिश भी ट्राई करूंगा जल्दी से अपलोड करने के लिए। ऑल राइट, सो द फिनो पेटेक लिमिटेड वॉज वन ऑफ द 11 एप्लीकेंट्स विच वर इशूड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ पेमेंट्स बैंक। फिनो पेटेक है, तो आप इंपॉर्टेंट रखिए कि पेमेंट्स बैंक जो हुआ था, जिसने RBI के साथ कमेंस किया ऑपरेशंस, वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। ऑल राइट, सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स बाय BMI रिसर्च, इंडिया GDP ग्रोथ जो फॉरकास्ट हुई थी FY18 के लिए, वो 6.9% थी। ठीक है, और आप सारी जितनी भी GDP ग्रोथ्स हैं, जितनी एक्चुअल है, एक्सपेक्टेड है, वो जरूर करके जाना, दोज विल बी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम प्रस्पेक्टिव। सो इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद ADB, फाइन, फॉर इम्प्रूविंग द रोड कनेक्टिविटी इन राजस्थान। ठीक है, तो ऐसे आप अगर पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहे हैं IBPS में, तो बेटर बी कंसंट्रेटेड ऑन इट कि कैसे होता है, किसके लिए लोन दिया गया, ठीक है, कौन से बैंक ने दिया और कितना दिया। ठीक है, सो एंड प्लस कि किस चीज़ के लिए दिया गया। ऑलराइट, तो ये आप पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट रखना हमेशा। एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्विस नेशनल बैंक SNB, इंडियाज रैंक इन मनी होल्डेड इन स्विस बैंक्स इन 2016 इज 88th। ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, हैज अप्रूव्ड द अमाउंट ऑफ लोन टू बिल्ड द रोड्स इन गुजरात। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर द बैंकिंग examinations, तो आप ये ध्यान रखें कि कौन से बैंक ने दिया है, किसके लिए दिया है, टू बिल्ड द रोड्स इन गुजरात, एंड मिलियंस इज अप्रॉक्सीमेटली $330 million। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है हमेशा, स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एंड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन 2017-18 इज 7.3। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, FSR reflects the overall assessment on the stability of India's financial system and its resilience to risk
emanating from global and domestic factors. ठीक है, जो important points हैं जो मैं दे सकता था मैंने आपको दिए, तो just go through it ताकि आपको at least basic knowledge रहे कि क्या है. ठीक है, in such a short span आपको सारा कुछ पता लग सके. The Union government has imposed basic custom duties on mobile phones and certain parts with immediate effect to boost the domestic manufacturing, that is 10%. ठीक है, तो ये लिवाई होगा सेलुलर मोबाइल फोन्स, एक्सेसरीज, चार्जर्स एक्सेट्रा, तो जितने भी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो सब पे ये रहेगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्लोबल साइबर सिटी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स दैट इज GCI ऑफ 2017 इज 23rd रैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये UN टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी है, ITU. ठीक है, तो इंडिया का रैंक 23 दिया गया है आउट ऑफ 165 नेशंस. सी, दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूज़. मैं आपको चाहूँगा कि आप जितना हमारे को सपोर्ट करेंगे मैं आपको उतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा. सो यू नो, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरों को भी पता लग सके एंड यू आर गुड टू डिस्कस इट. जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको दिमाग में ज़्यादा रहेंगी चीज़ें. ऑल राइट, तो इंडियन OS हैज़ कोलेबोरेटेड विद इंडियन बैंक टू लॉन्च एन OS इंटीग्रेटेड UPI प्लेटफॉर्म दैट इज येस बैंक के साथ. इन दिस ने OS ने इंडियन बैंक ने कंपेन लॉन्च की है जिससे वो एक नई OS इंटीग्रेटेड UPI प्लेटफॉर्म ऐप बनाएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट इज, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन यूरोप एंड द US हैव बीन क्रिपल्ड बाय अ रैनसमवेयर अटैक नोन एज पेटिया. ये तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. देखो, मैं जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी अवेयर अबाउट मेनी ऑफ द न्यूज़ रिगार्डिंग दिस, बट हाँ, आपकी रिविजन होगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हर एक वीकली के हिसाब से, तो यही चांसेज है आने के. ऑलराइट, तो सेकेंड मेजर ग्लोबल रैनसमवेयर अटैक इन पास्ट 2 months आफ्टर वॉनाक्राई तो आप सबने सुना होगा, तो उसके बाद पेटिया आया था. तो इंपॉर्टेंट है, वॉनाक्राई तो सबने सुना है, मे बी नेक्स्ट का है तो इट्स पेटिया. तो पेटिया जो है रैपिडली थ्रू द नेटवर्क दैट यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लेना. आपको PDF चाहिए, अगेन आई एम सेइंग, हमारा टेलीग्राम ऐप ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यू आर फ्री टू ज्वाइन दैट, ताकि आपको पता लग सके. सारी आपको PDF चाहिए तो वहाँ ही मिलेंगी. ठीक है, एंड इंडियन रेलवेज इज सेट टू लॉन्च अ कंपेन दैट विल गिव द ट्रेवलर्स द ऑप्शन टू फोरगो द सब्सिडी ऑन द ट्रेन ट्रैक्स दैट इज गिव इट अप. ठीक है, रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके टाइप्स रहते हैं बैंक्स वगैरह के साथ, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू इट एज वेल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी पढ़ लेना साथ में कि ये वॉलेंटरली डिसीजन होगा दैट वी लीव टू द कस्टमर्स, ये ऐसा बोला गया था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग EPFO. EPFO आपने सबने सुना होगा, प्रोविडेंट फंड है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो इट हैज इंक्ड इम्पैक्ट विद द बैंक्स ऑफ द कलेक्शंस फॉर द प्रोविडेंट ड्यूज एंड मेक रिटायरमेंट पेमेंट्स 5. ठीक है, तो इन्होंने कितने बैंक्स के साथ टाई अप किया है, तो इन्होंने ये मैंने नीचे बैंक के नाम भी दिए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC, एक्सिस एंड कोटक महिंद्रा. ठीक है, तो ये क्यों इनके साथ किया, ताकि इनके सेव हो सके पैसे अबाउट 125 करोड़ ईयर. ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकें और जिसका फ़ायदा मेंबर्स को मिले. ठीक है, ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रिगार्डिंग द बैंकिंग अवेयरनेस. तो एक और इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वर्ल्ड की न्यूज़ भी आपको बताऊंगा जो कि हेल्पफुल रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ज़्यादा नहीं है, 7-8 हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको बताऊंगा जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और अगली वीडियोज़ आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी. प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ये RRB के लिए, PO के लिए, जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बैंकिंग एग्जाम्स. सो नरेंद्र मोदी एम्बार्क्ड ऑन अ टू नेशन टूर टू इज़राइल एंड जर्मनी. काफ़ी लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी. ठीक है, तो ये जो है काउंटर पार्ट है इज़राइल के, बेंजामिन नेतन्याहू. ठीक है, तो उनके साथ सिर्फ यू नो और रिलेशंस अच्छे करने के लिए ये गए थे. ठीक है, तो G20 समिट है हैमबर्ग में, जर्मनी में. ठीक है, वो भी आप याद रखिए. तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ मैंने दी है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो यू नो टेलीग्राम ऐप ग्रुप. सो द 41st सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज स्टार्ट इन कैरिको, पोलैंड. ठीक है, आप नोट पढ़ लेना इसके साथ में. 2017 इंडो थाई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है, मैत्री कहते हैं ये. SSC में भी बहुत जगह क्वेश्चन हमने देखे थे. ठीक है, तो जो आए हैं SSC में भी, तो और ये IBPS के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज इंडियन सिटीज होस्टिंग द थर्ड एडिशन ऑफ
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो वो न्यू दिल्ली में होगा, थर्ड एडिशन है. नेक्स्ट इज 12th एडिशन ऑफ G20 समिट, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया, हैम्बर्ग जर्मनी में है, ठीक है. और इसका जो थीम है, थीम भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत पेपर्स में आते हैं, स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस में. तो शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इज द थीम ऑफ G20 12th एडिशन समिट. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड स्कैन ऑफ ब्रेन्स इंटरनल वायरिंग हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट एट कार्डिफ यूनिवर्सिटी, ठीक है. MRI मशीन रिवील्स द प्रोसेस ऑफ फाइबर्स विच कैरी ऑल द ब्रेन्स थॉट प्रोसेसेस, ठीक है. और ये कार्डिफ नॉटिंघम कैम्ब्रिज में हुई है, एंड उसके थोड़े और भी काउंटर पार्ट थे, वो मैंने मैंशन कर दिए हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. इट्स WHO हैज डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इबोला वायरस, ठीक है. एंड ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ DRC, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इन्होंने इसको भी इबोला वायरस फ्री बोल दिया गया है, ठीक है. सो इट वॉज द कंट्रीज 8th आउटब्रेक ऑफ EVD सिंस द डिस्कवरी ऑफ द वायरस इन द कंट्री इन 1976. ओके, एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीडियो. अ न्यू फास्ट ग्रोइंग इजराइल फ्लावर हैज नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड इट्स क्रेजेंथमम. ओके, एंड द डेंजिकर फ्लावर फार्म इज वन ऑफ द इजराइल्स लीडिंग फ्लोरिकल्चर कंपनीज विद अप्रोक्सीमेटली 80,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन हाउसेज स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन. सो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी कि क्रेजेंथमम नाम का दिया गया है इनको, इसराइल फ्लावर का नेम इनके नाम पे रखा गया है. ऑलराइट, सो ये न्यूज़ थी जुलाई फर्स्ट वीक के लिए. आई विल बी प्रिपेयरिंग नेक्स्ट वीडियो एज वेल वेरी सून, जिसके अंदर मैं अगले यू नो सेकेंड वीक के बारे में आपको बताऊँगा, एंड जितने भी उसके बाद जैसे ये 4 वीक्स खत्म होंगे, आई विल बी प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन आंसर्स एज वेल. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज सून एज मैक्स एज पॉसिबल. एंड आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए. अगर आपको नहीं भी पसंद आई तो आप डिसलाइक कीजिए और हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम रही है, ताकि हम आगे उस पर वर्क कर सकें. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.